नमस्कार दोस्तों, आज से 555 की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आप ऑल ओवर इंडिया से अपना कार स्टीरियो रिपेयर करवा सकते हैं। स्टीरियो रिपेयर करवाने के लिए आप उसे किसी बॉक्स में अच्छे से पैक करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एड्रेस और फोन नंबर है, आप वहां से जाकर हमसे बात करके कोरियर के थ्रू भी अपना सिस्टम रिपेयर करवा सकते हैं। आइए देखा जाए, आज हमारे पास खूब सारे स्कॉर्पियो के सिस्टम आए हुए हैं, अलग अलग जगह से 5 सिस्टम है हमारे पास, जिसमें से सब में अलग अलग प्रॉब्लम है। आइए मैं इसे आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सिस्टम ऑन है, लेकिन इसकी डिस्प्ले में अगर आप देखेंगे तो ये डिस्प्ले इसकी हल्की हल्की ब्लिंक हो रही है। ऐसे आपको दिखाऊं, ये देखिए, बिल्कुल ध्यान से अगर देखेंगे, ये देखिए इसकी डिस्प्ले। इसे हमने चेक किया है, इसमें क्या है, डिस्प्ले की प्रॉब्लम नहीं है। इसके डिस्प्ले के फ्रंट में एक मदरबोर्ड होता है, उसकी प्रॉब्लम है। और आइए अब हम दूसरे सिस्टम में चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। हमारे पास ये दूसरा सिस्टम है, इसमें ये देखिए इसके डिस्प्ले वगैरह सब ओके है, लेकिन इसमें साउंड नहीं आ रही है। और बाकी सारे सिस्टम जो है डेड है, पकड़ इसको पकड़। बाकी सारे सिस्टम डेड है, ये देखिए ये सिस्टम बिल्कुल डेड है, ये सिस्टम भी बिल्कुल डेड है, और ये भी। आइए मैं दिखाता हूँ मेन इसमें डेड होने का कारण क्या होता है। इस सिस्टम के मेन डेड होने का कारण ये होता है कि आप ये देख सकते हैं, ये जो है इसका नेविगेशन का कार्ड है। नेविगेशन का कार्ड इसमें क्या होता है, ये जो छोटी छोटी आई सी दिख रही है आपकी, ये जो है ब्लास्ट हो जाती है। ये टोटल होती है 12 वोल्ट से चलती है, 12 वोल्ट से जो है 5 वोल्ट बनाते हैं तो ख़राब हो जाती है कभी कभी। इसमें देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें ये आई सी जो है ब्लास्ट है। अगर हम इसे चेक करें मल्टीमीटर से, ये देखिए ये शॉर्ट बता रहा है, ये भी शॉर्ट बता रहा है आपका, और ये भी शॉर्ट बता रहा है, लेकिन बीप नहीं बोल रही है, कम ओम से शॉर्ट है। आइए अब इसे रिपेयर करके हम देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है और रिपेयर हो जाता है या नहीं। आइए चलिए अब इस आईसी को हम चेंज करते हैं। आईसी को चेंज करने के लिए हमें हीट का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ये 10 पिंस की आईसी होती है और दोनों साइड से इसके होती हैं, और प्लस में आईसी के बीचों बीच भी ये बोर्ड से चिपकी होती है। इन दोनों आईसी को हम निकाल लेते हैं। ये देखिए इसके अंदर एक आईसी चली गई थी, इसलिए हमें सेट को उल्टा करके देख करना पड़ा। अब चलिए शॉर्टिंग नापते हैं। अब इसकी शॉर्टिंग भी हट चुकी है, दोनों आईसी की, दोनों कॉइल पे जो शॉर्टिंग थी वो दोनों हट चुकी है। अब ये देखिए इसके नेविगेशन बोर्ड में हम चेक करते हैं, इसके नेविगेशन बोर्ड में भी प्रॉब्लम है। ये दूसरे वाले सेट का है, नेविगेशन बोर्ड में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि ये जो छोटी वाली आईसी देख रहे हैं आप, पूरे सिस्टम में ये 4 आईसीज लगी रहती हैं, 4 से 5 आईसीज लगी रहती हैं। अगर ये एक भी ब्लास्ट होती है तो आपका सिस्टम नहीं चलता है। ये देखिए इसमें ये दोनों ब्लास्ट थी और इसके ऊपर नेविगेशन कार्ड में एक आईसी ब्लास्ट थी। आइए चलिए अब इसके नेविगेशन कार्ड की आईसी जो है वो चेंज करके करते हैं। ये देखिए ये इसके नेविगेशन कार्ड की आईसी है, ये मेन चिप है, यही शॉर्ट है। और अगर हम इसको अभी निकालते हैं हीट से, इसको हमें फिर दोबारा रिवॉल्व करना पड़ेगा। हमारे पास 3-4 बोर्ड पड़े हुए हैं जिसमें से हमारे पास ये आईसी दूसरी मिल जाएगी। ये देखिए अब हमने इसे निकाल दिया है, तो थोड़ा पेस्ट लगा के इसको सही करते हैं और इसको रिवॉल्व करेंगे। ये देखिए अब शॉर्टिंग नापते हैं बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं ये साइड में जो आईसी लगी हुई है यहाँ पे, ये आईसी भी ख़राब हो गई थी। और हमारे पास इस साइड में दूसरा जो मदरबोर्ड है, इसी मदरबोर्ड से हम अब इसमें आईसी निकाल के लगाएंगे।
सारा खेल इन आईसीयू का ही होता है। ये आईसीयू एक बार ख़राब हो जाए तो आपका सिस्टम बिल्कुल डेड हो जाता है। चलिए अब ये सारी आईसी चेंज करने के बाद हमने इस सिस्टम को ऑन तो कर दिया है। ये वो वाला सिस्टम है जिसकी डिस्प्ले थोड़ी जलमिल जलमिल से आ रही थी, वो हमने रिपेयर करने की कोशिश किया था लेकिन वो रिपेयर नहीं हो पाया, इसलिए हमें इसका मदरबोर्ड जो है फ्रंट का वो चेंज करना पड़ गया। ये सिस्टम बिल्कुल चालू हो चुका है, ये इसका नेविगेशन है और बाकी सारी चीजें ओके हो चुकी हैं। बाकी दो सिस्टम जो थे वो मैं चलिए अब आपको दिखाता हूँ, दोनों को हम एक साथ इसको ऑन करते हैं। ये देखिए ये ऊपर वाला सिस्टम बिल्कुल डेड था जिसके हमने नेविगेशन कार्ड का मदरबोर्ड रिपेयर किया है, और नीचे वाले सिस्टम में साउंड नहीं थी जो अब बिल्कुल पूरी तरीके से ओके हो चुका है। ऐसे ही आप भी कोई भी सिस्टम रिपेयर करवा सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।